फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स यही न्यूज चल रही है हर जगह। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है पीएम मोदी सिक्योरिटी लैब्स, रिमोट दबाकर पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था। अरे बाप रे, मन इंदरजीत सिंह बिट्टा। चलो देखते हैं, बात तो वो है कुछ भी हो सकता था। किसी जैसे उनको पता है कि भैया यहाँ पे उन्होंने आना है और जिन्होंने प्रोटेस्ट करना था वो बैठ भी गए, तो हो सकता है रास्ते में कुछ और भी कर सकते थे प्लान अगर करना चाहता कोई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं कि ये क्या शेयर कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर पाकिस्तान, रडार आ सकता है वहां पे, सब कुछ हो सकता है, ड्रोन आ सकते हैं वहां पे, और रेंज में सुरक्षा की, फायरिंग की रेंज में है वो जगह। आप पीएम को पुल के ऊपर अकेला छोड़ देते, फ्लाईओवर के ऊपर अकेला छोड़ देते, आप देखते नक्सलाइटों को किस तरीके से ब्लास्ट करते। नीचे किसी ने कुछ लगाया, रिमोट दबाना, ऐसे रिमोट दबाना। और पन्नू खालिस्तानी 3 दिन पहले का वीडियो क्या कहता है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, प्रोटेस्ट करो, जान से मार दो, खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब को देश से तोड़ देंगे, इसकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान नहीं बन सकता पंजाब में। पन्नू को आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, बुलाइए कभी, आप पाकिस्तान के लोगों को जोड़ते हैं, इनको बुलाइए, इस बदमाश से, मैं गुंडे से बात करता हूं। हमने क्या खालिस्तान बनने दिया? हजारों कुर्बानियां शहादत हुई, हजारों पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने शहादतें दी, नेताओं ने दी, हमने शरीर पे बम खाए, खालिस्तान तो नहीं बनने दिया। अब ये लोग ये कैसे जवाब देंगे कि 4 दिन पहले लुधियाना के अंदर ब्लास्ट होता है और 3 दिन के अंदर जर्मनी से पन्नू का साथी पकड़ा जाता है जो वहां से प्लानिंग कर रहा था, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, सारी तारे जुड़ गई। बाई जीवे, अगर वो जर्मनी से ना पकड़ा जाता ना, त्यागी मैडम जी ये पता क्या कहते, ये तो ड्रामा कहने वाले, ये नरेंद्र मोदी ने करा दिया। मेरा बीजेपी से तलक नहीं, सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूं, आए को बहस करते अकेले अकेले कराओ बहस, ठीक। ये कहते नरेंद्र मोदी, अगर जर्मनी से ना वो पकड़ा जाता तो यही कहते, ये तो बीजेपी ने करा दिया, ये तिरंगे झंडे माननीय मोदी ने करा दिया। अरे सबूत लाओ ना, सामने बात करो। अरे ये सुरक्षा का मामला, ये राजनीति गंदगी नहीं है। आज पीएम है, कल अखिलेश यादव है, फिर नीतीश कुमार है, फिर और लोग हैं। ये मेरे कहने का मतलब सुरक्षा के मुद्दे पे भी हम एक नहीं, और पाकिस्तान को बैठ के ये दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान आईएसआई को, अपने दुश्मनों को, जो सबको यहां पे समाप्त करना चाहते हैं, जगह जगह पे बम लगाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया तो घूम ली, पाकिस्तान गए थे, हमने विरोध किया था, मैंने सोच लिया था कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में जिंदा वापस नहीं आएगा, क्यों प्रधानमंत्री गए, हमने विरोध किया था, पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान से जिंदा वापस आए, पर अपने देश के अंदर, वो भी पंजाब के अंदर, और फिर उस पंजाब से लिंक में श्रीमती इंदिरा गांधी को शहीद किया गया, राजीव गांधी को खतरा था, बेअंत सिंह शहीद हुआ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, मेरे पे 14 बार हमले हुए, 3 बड़े ब्लास्ट हुए, मैं उसमें बच गया, एक जिंदा तस्वीर, मर के बची जिंदा तस्वीर हूं, अभी भी हमारे पे विश्वास नहीं। ये बोलने वाले ये तो देखे, क्या कभी कंकर भी गोली तो क्या कर, कंकर भी तो खाया है, पिक्चरों में ड्रामे करने बड़े आसान है जनाब, हमने खून बहा के इनको सरकारें दी थी, हमने नहीं कुर्सी छोटा की लड़ाई लड़ी। गजेंद्र साखला ये कह रहे हैं खून से। तो फ्रेंड्स इसमें तो कुछ और एक नई बात सुनने को मिली है, कुछ जर्मनी में किसी को पकड़ा है, वो क्या न्यूज है, ये तो हमें पता ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है, ऐसे लग रहा है कुछ कहीं बाहर से, ऐसे लग रहा है कि कुछ प्लान प्लून कुछ हुआ हुआ है और उसमें प्लान के बारे में कोई जर्मनी से किसी को पकड़ा गया है। और ये वो बता भी रहे थे, किसी एक ने कुछ इस टाइप से बोला भी कि मोदी जी आ रहे हैं वहां पे, कुछ उस टाइप से धमकी दी है। ये कौन है और ये कहाँ रहते हैं? अगर तो इंडिया में हैं तो वो तो उसी टाइम पकड़े जाएंगे, मुझे लगता है कहीं बाहर ही रहते होंगे ये ऐसे लोग जो हैं। पर ये बहुत अच्छा बोल रहे थे कि क्या वो सोचो कि खालिस्तान बनाओगे यहाँ पे, हम बताते हैं कैसे बनेगा खालिस्तान, इंडिया का पार्ट है।
वैसे तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और इनको भी तो जैसे बताने की गोलियां लगी हैं, सब किया है, तो पॉलिटिक्स में इस टाइप का गंध घुसाकर, मतलब जीत हार अपने अपनी हार को स्वीकार ना करके उसमें कोशिश करना कि किसी की जान ले लें और खुद बन जाएं, ये पॉलिटिक्स तो भाई नहीं चलेगी। और मोदी जी ने इसीलिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं, क्योंकि सिचुएशन वाकई में बहुत डेंजरस हो गई होगी, पूरा हमें पता नहीं चल रहा पर अंदर की बात क्या है, पर उस टाइम वो इतना जो इस टाइप से हुआ होगा कि वो रोक नहीं पाए होंगे कि जाते जाते वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दी होगी, मुझे तो अब यही फील हो रहा है। और एक्शंस तो लेने चाहिए, डेफिनेटली लेने चाहिए, एक एक जिसने गलती की है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चाहे वो पंजाब जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हो, अगर वहां से नहीं हो रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जो भी लेना पड़े एक्शन। बुक बोल तो रहे थे कि उन्होंने कमेटी बनाई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी बनाई हुई है, तो सेंट्रल जो है अपनी शुरू करे और उससे एक्शंस ले, अगर थोड़ा भी शक होता है कि भाई पंजाब की गवर्नमेंट ने ऐसी काम करने के लिए किया और काम ठीक कर नहीं रहे, पर पकड़ना तो सबको चाहिए। राइट, नहीं बिट्टा जी काफी जोश में बोल रहे थे, उनके पॉइंट सही थे कि साथ में पाकिस्तान का बॉर्डर है। हाँ। वो कह रहे हैं कि इतनी पावर थी कि वहीं से फायर कर सकते थे। हाँ, कुछ भी कर सकते, आईडी लगा सकते थे, ड्रोन भेज सकते थे, उनके पास रेडार्स थे जो कैच कर सकते थे कोई एक्टिविटी जो यहाँ हो रही है, 10 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने बात सही की थी कि बहुत ही डेंजरस एरिया था, फिर वो काफी प्राउड है अपने स्टेट के बारे में, पंजाब के बारे में काफी प्राउड है, उनको अभी शर्मिंदगी हो रही है कि आपको ऐसा हुआ मेरे स्टेट में, मतलब जो मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पे बम हुए, लोगों ने मेहनत की और इतनी मेहनत करके उन्होंने गवर्नमेंट में जो भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट में लोगों को पावर पे लेके आए वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। तो मेरे ख्याल से क्रिटिक कर रहे थे पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर कि हमने इतनी सैक्रिफाइसेस किए, हमने जो है इन्होंने इनके इनके हिसाब से कि इन्होंने सैक्रिफाइस किए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, और उसके बाद गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी नहीं कर सकती, उनको दुख हो रहा है कि पंजाब के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इतनी मेहनत की है। तो मतलब काफी अच्छी बात है और काफी जोश से बोल रहे हैं, और उनको भी यही लग रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पंजाब की गवर्नमेंट पे ही बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा बेटर करना चाहिए था। ऑफकोर्स इसके पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, और मोदी जी का ये कहना कि मैं जैसे जान बच गई तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये काफी डेंजरस, हमें पता भी नहीं है इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क था कि और कोई बड़ा प्लान था क्या था, मगर इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली होगी। और सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वेस्टिगेट करेगा, कमिटीज होगी, और उसके बाद जो है लोगों ने डिसाइड करना पड़ेगा, अगर होपफुली लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन्होंने क्या करना है। और अगर जैसे कहते हैं कि पंजाब में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है ड्रग्स वगैरह की, तो मेरे ख्याल से लोगों को देखना चाहिए, अगर आपकी ड्रग्स आ रही है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आप दे नहीं पा रहे, तो अपनी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सोचिए कि आपने कैसी गवर्नमेंट इलेक्ट की है और आपको अगली बार क्या करना है। बिल्कुल, तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड, सोचने की बहुत जरूरत है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।